ऐसा लगता था कि ये मौज मस्ती की पार्टी कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन सिर्फ 12 महीनों में अमेरिका की मस्ती के लिए मानी जाने वाली ये जगह आज एक भूतों का डेरा बन के रह गई है। विक्टोरिया झील पर हुए जानलेवा हमले को कौन भुला सकता है, जिसने बहुत से जवान लोगों की जान ले ली और समाज को सकते में ला खड़ा किया। और कौन सोच सकता था कि ये मौत का घिनौना नाच पिराना की एक ऐसी जाति ने मचाया जो आज से 20 लाख साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। उनके समूल नाश के प्रोग्राम ने इस जीती जागती झील को सन्नाटे में तब्दील कर दिया। लोगों के यहाँ से भाग जाने से यहाँ की सारी संपत्ति और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। विक्टोरिया झील पर जाना मौत को दावत देना था। पहले इस जगह पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, पर अब सिर्फ जंगली झाड़ियाँ हैं और जहाँ भी नजर जाती है सिर्फ टूटी फूटी नावें दिखती हैं। इस भयानक दुर्घटना को हुए एक साल पूरा होने को आया है, पर क्या जो एक बार हो सकता है वो दोबारा भी हो सकता है? अगर हाँ तो कहाँ? मार्किन काउंटी में क्रॉस झील, एरिज़ोना। सारा, अरे गाय को इस तरह से थोड़ी ना बुलाते हैं। कमबख्त मेरा पैर कहीं फंस गया। वो रही, लेकिन वो तो मर गई है। काफी तंदुरुस्त लगती है। हाँ, पिछले साल इसने बहुत इनाम जीते थे। ये क्या है? एक काम करो, उस पर लाइट डालो, उस पर लाइट डालो। लगता है इसके पेट में कुछ है। साला, इसके अंदर से तो कुछ अजीब सा निकल रहा है। ये टॉर्च को भी अभी बंद होना था। मेरे पास लाइटर है। बदबू तो साली कचरे के डब्बे की तरह है। इसकी तो ये तो गैस का सिलेंडर बन गया। मुझे किसी ने काटा।
का समय आ गया है। यही मिलेंगी लाइफ गार्ड जो है हॉट, सिंगल और पार्टी के लिए तैयार आपके साथ। लाइफ बन जाएगी। अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो हमारे ठंडे पूल का मजा लेने के लिए यहाँ पर आइए। याद रखे तीन शब्द द बिग बैंग, और याद रखे डबल जी यानी डबल धमाका। आ गई मुसीबत। रुक जाओ यार, रुक जाओ। मैं बस दो मिनट में आया। ये लो, इसे पकड़ो। शूटिंग चालू रखना, रुकना नहीं। और किसके परमिशन से तुम यहाँ स्विमिंग पूल में? आकर इस सौतेले बाप को गले लगा लो। डैड, क्या आपने पुराने लाइफगार्ड्स को निकालकर उनके बदले में इन लड़कियों को रखा है? ये हुस्न की मलिकाएं हैं बेटी। नहीं डैड। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो मेरी, तुम्हारी माँ ने मरते समय तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मुझसे एक वादा लिया था कि मैं इस वाटर पार्क की देखभाल करूँ, और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूँ। बेटा मैं तुम्हारा डैडी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा भला ही सोचूंगा। वाह डैड, कभी कभी लगता है कि आपको किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा बेटी। अडल्ट पूल, अंदर आओ। इस पूल से हम माला माल हो जाएंगे। What do you think? I think this is a very expensive joke. The world's first strip bar at a water park? That's a stroke of genius. Franchising, baby. No. Oh, don't worry about that. You throw a little extra chlorine and sulfuric acid in the pool, sanitizes everything. Hey, Kiki, why don't you get your shapely ass out of the pool? Russian, huh? She's a doctor. Now keep your eyes over there on the flat screen TV. Oh, this is the cooch cam, but I'm open to suggestions. Check it out. And feed your brain this chemical until your back pops. That's disgusting. Absolutely not. Do not touch it. I'm getting rid of it. Don't you touch it. That's not your call. Don't you forget that I'm still half owner of this place. Oh, is that right? Raise your hand if you own 51% of this water park. Now raise your hand if you're 49% minority owner. That's you. पहली बार छुट्टियों का असली मजा ले। चुप। लेकिन ये इस बात से डरती है क्योंकि इसकी घर की बहन एक बच्चा पैदा करके फंस चुकी है। बस नहीं करो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कौन आ रहा है। यही बंदा इसके साथ रोमांटिक ड्यूएट गाएगा जिससे सुर ताल का अंदाजा नहीं है। हाय मैरी, इसमें ताम जाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब छोड़ो जॉश, लेक के पास मिलना। कम ऑन। ठीक है, मिलता हूँ। ए, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई? बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। तो तुम छुट्टियों में यहाँ पर नहीं आना चाहती थी? हाँ, डैड ने यहाँ का नक्शा जो चेंज कर दिया है। समझता हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मस्ती करना, यारी दोस्ती। सही कहा, बचपन की बातें मुझे भी याद आती है। तो अब जब तुम यहाँ आ गई हो। तुम दोनों आग से इस तरह से नहीं खेलते। क्या यहाँ नाबालिग बच्चे दारू पी रहे हैं? तुम भी मिला। क्या बात कर रहे हो भाई, पता नहीं मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे नहीं पीना चाहिए। पटाखे फूट रहे हैं, लड़कियाँ जलवा दिखा रही हैं, और हवा में नशीला धुआं भी है। काफी अच्छा माल है। इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अरे सवाला ऊपर से मजबूत। चल बकवास बंद कर। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो मैं तुम्हें हेलो करने के लिए चला आया। और हाँ,
जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था, अगर उसका जवाब मिल जाता तो बेहतर होता। नहीं, कोशिश बेकार है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते। पर तुम तो लौट आई हो सिर्फ गर्मियों की छुट्टी के लिए। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। फिलहाल मुझे ड्यूटी पर जाना है तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आज पार्टी में बहुत मजा आया। हाँ हाँ, मुझे भी। मुझे झील पसंद है। हाँ, यहाँ पर कितना सुकून मिलता है। तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? मेरी बत्ती गुल है। तू चला दे। मेरे साथ स्विमिंग करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, मजा आएगा। वहां देखो ना। ओ बाप। हाँ। शेल्बी, 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 ओह तेरी। तुम नहीं आओगे क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। कोई शरारत नहीं करना। मस्ती करोगी? गर्मी मस्ती बोलो। हाँ कहाँ की है? हाँ बस। क्या हुआ? मुझे कुछ महसूस हुआ। क्या ये तुम हो? ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। प्लीज ये मजाक बंद करो। मैंने तो कुछ नहीं किया। शेल्बी, अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर जा रही हूँ। जो वादा किया है वो निभाने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूँ। ऊपर वाले, तुम्हें भी बोलना है। ठीक है, जो तू बोले। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि शादी से पहले करीब आना पाप है, गलत है, पर हमें पता है कि प्यार में पागल होना एक तरह से आपकी इबादत है। आमीन। और अब मैं तैयार हूँ। जरा इसे देखो, अच्छा लगा? अब बच के दिखा। मुझसे होशियारी करना बेकार है। उठो, देखो ये क्या किया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, पानी अंदर आ रहा है, धत तेरे की। हाथ खड़ी खोलने, चाबी दो। शायद कहीं गिर गई है। क्या करेंगे? कहाँ गई? क्यों नहीं रही है? किसी को बुलाओ। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एशली, लाइट ऑन करो, ढूंढती रहो। नहीं, ये क्या, कहाँ जा रही हो? एशली, मैं किसी को मदद के लिए बुला के लाती हूँ। वापस आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। एशली, आ!
कोई बात नहीं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बस क्या एशली मुझसे ज्यादा प्यारी लगती है? नहीं, बाकी लड़कों को तो लगती है। हाँ, हम बड़े हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि उतने रसीले भी होंगे। ओ, शैतान। वेलकम बैक मैरी। पता वो दोनों कहाँ हैं? कोई आइडिया नहीं। अरे बाप रे, कोई पंगा है क्या? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, दो मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। रियली तुम ठीक हो? अभी से उल्टियाँ शुरू हो गई। तुम तो बड़े तेज निकले भाई। मेरे ख्याल से वो ठीक हैं। काम पर नहीं आने की वजह से शायद डरकर कहीं छुपे हैं। Come on, Ash, फोन उठाओ। Hello, बीप के बाद मैसेज छोड़ो। Ash, कॉल बैक करो। ऐसी कोई जगह जानती हो जहाँ वो गए हों? नहीं, मैं नहीं जानती। मैं जाना चाहती हूँ। बाय।
एशली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब माना कि वो ठरकी है और मेरे 11 एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ हमेशा फ्लर्ट करती है, और मुझे यकीन है कि उसी ने मेरी वो इयररिंग्स चुराई थी जो मेरी दादी ने मरने से पहले मुझे दी थी, लेकिन बहन से ज्यादा थी वो मेरे लिए। वो क्या था? चलो यहाँ से, यहाँ से निकलते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी। अबे तेरी भैंस की टांग, ये क्या? क्या ये साली पिराना है? कई साल पहले मेरे पिता कासन जम पर काम करते थे, जब उन्होंने पत्थर तोड़े तो उन्हें ऐसे फॉसिल्स मिले, ये उन्होंने मुझे 8वीं सालगिरह पर गिफ्ट किया था। मुझे पूरा यकीन है वो पिराना ही थी, लेकिन वो विक्टोरिया झील से हमारी झील में कैसे आई? हमें यही तो पता लगाना है। क्या हुआ? जरा सोचो, अगर मैं वो पिराना होता तो तुम ही क्यों? हर लड़के की ख्वाहिश होगी ऐसा पिराना बनने की, और लड़कियों के करीब। तुम्हें अभी ठंड लग रही है? हाँ थोड़ी सी। ये दरवाजा कैसे खुलता है? कायल जरा दरवाजा खोल दो के प्लीज। आओ नवाबजादे। अच्छा मजाक था नमूने। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? सर हमने आपको देखा है। तुम्हें मिलाकर 1,10,486 लोगों ने मुझे इंटरनेट पे देखा है। लोग मुझे पसंद करते हैं और इस बात का मुझे बेहद फक्र है बच्ची। सर हमें आपकी मदद चाहिए। मदद?
हमें लगता है वो लौट आए हैं। क्रॉस और विक्टोरिया झीलें आपस में जुड़ी नहीं हैं। वो पिराना जरूर उन अंदरूनी झीलों और नदियों के रास्ते सफर करती हैं। पिराना के इस नमूने पर मैंने काम किया है पूरे एक साल। शायद तुम्हें ये चौंकाने वाली बात लगे। रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। ओके, ये एक ढाली हुई स्टील है, जैसा कि घरों की नालियों में लगती है। ये गया अंदर। अब कुछ पेड़ पूजा हो जाए। अरे नहीं 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 नहीं, इस मेंढक ने आपका क्या बिगाड़ा? भाई मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। अब नजारा होगा मजेदार, ध्यान दो। अपने लिए रास्ता बना लिया। ये क्या बेवकूफी है? तुम पागल हो? अपना हाथ गवा बैठते। मुझे मेंढक पसंद है। जरा। हाँ जरूर। मेरे पास और भी कुछ जानकारियां हैं। तुम सच में पागल हो? ये पिराना कई हजारों सालों से रहती हैं अंदरूनी झीलों और नदियों में, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है जमीन की गर्मी से, जो इन्हें जिंदा रखता है, और इस तरह ये अपने अंडे देती हैं। इन्हें सड़े अंडे की बदबू पसंद है? हाँ। मुश्किल ये है कि ज्यादातर हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये जाहिर सी बात है कि मछली इससे पूरी तरह बहक जाए और इंसान की बनाई नालियों में घुस जाए, खास तौर पर जबकि हर घर के पीछे पता नहीं कितने सारे स्विमिंग पूल्स हैं। हमारे रिसोर्ट का पाइप कनेक्शन क्रॉस झील से है, और वो झील हजार स्विमिंग पूल के बराबर है। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही बुरी खबर है। इस बारे में किसी को आगाह करने की कोशिश की? कोशिश तो की थी, पर किसी ने माना नहीं। मैंने अपनी साख खो दी, क्योंकि मैंने अपनी पिछली किताब में जोर शोर से पैरों वाली मछली का जिक्र किया था। अरे हाँ, सही कहा। वो फिश वॉक अमंग अस बुक आपने लिखी है, मैंने वो पढ़ी है। पढ़कर बहुत मजा आया। क्या कहा? शुक्रिया, तुमने दिल जीत लिया मेरा। ये रही। थैंक्स बेरी। तुमने मरीन बायोलॉजी किताब पढ़ी? हाँ, मुझे तुम्हारे दिलचस्पी में दिलचस्पी है। सुनो दोस्तों, हमें झील में जाने वाली पाइप कनेक्शन को चेक करना होगा, वो भी आज रात। अगर ये बात है तो मैं कल सुबह गोताखोरों की टीम को वहां बुला लेता हूं। बहुत देर हो जाएगी, वाटर पार्क कल खुलने वाला है और वो जगह लोगों से भर जाएगी। अगर मछलियां पाइप से अंदर आने लगी तो? फिर तो कल विक्टोरिया झील से भी बढ़कर हादसा हो जाएगा। सुनो, हमें इसी वक्त वहां पहुंचना होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर, बाय बाय। मैं तो इंटरनेट पे छा गया हूं। यस, क्या बात है, अब मुझे कोई नहीं हरा पाएगा।
मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। दोस्त तो होते ही इसलिए। अब कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर। तो फिर रो क्यों रही हो? शेल्बी क्या बात है? एशली के साथ जो हादसा हुआ उससे परेशान हूँ। मुझे गले लगा लो प्लीज। तुम श्योर हो? सवाल मत पूछो। मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है और अगर मैं मर गई तो मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना चाहती हूँ। I want to be with you. Just come inside me. Come inside me. I'll do whatever you say after that. वॉटर पार्क से बाहर जाने वाले पाइप नीचे खुलते हैं, उन्हें चेक करना है मुझे। तुम्हें नहीं लगता है मौत को दावत देने जैसा है? और कोई रास्ता नहीं है, मैं बस गई और आई। जरा सुनो, उस रात जो मैं तुमसे कह रहा था वो। तुम मेरे साथ चलोगे टॉर्च पकड़ने के लिए? क्या मतलब? अगर तुम कह जाने दो। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं। दरअसल तैरना नहीं आता मुझे। तुम वॉटर पार्क में काम करते हो, तैरना नहीं जानते? सांस की प्रॉब्लम है। तो स्कूल की पिकनिक जो रिसोर्ट पर जाती थी, तुम वहाँ क्या करते थे? कभी कोशिश नहीं की? ओ, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर तैरना सिखाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो तुम काइल के साथ बिजी रहती थी। क्या फर्क पड़ता है? चलो अभी टॉर्च दे दो। हाँ जानता हूँ, यही तो कहा था। ठीक है, बाद में बताता हूँ। तुम पक्का ये करना चाहती हो? नहीं। तुमने उसे अकेले ही जाने दिया? अपने काम से मतलब रखो। ओह हाँ, तुम्हें तो तैरना ही नहीं आता। Second.
Josh, I'm feeling a little better now. Josh, I think I had an accident. Josh. Josh, what are you doing? उम्र 70 है तो क्या रफ्तार भी 70 से ऊपर रखोगे? तुम्हारे पास कोई बेहतर काम नहीं है जैसे मेरी बेटी के साथ घूमना करना? मन तो है उसे जन्नत दिखाऊं, फिलहाल पाइन भरो। बस इतना ही? चलो ठीक है। क्या बड़ा हाथ मारना चाहते हो? अगर किस्मत ने साथ दिया और तुम्हारा ये वाटर पार्क चल निकला तो एक दिन बड़ा हाथ भी मार लूंगा। सच में मजा आ जाएगा। क्या तुमने झील में जाने वाली पाइप चेक की? मैडी ने की थी और वो मरते मरते बची। जालियां जगह पर है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? होनी तो नहीं चाहिए, बस डर है कि मुसीबत कोई और रास्ते से ना आए, जैसे तुम्हारा अवैध कुआं। उसकी फिक्र तुम मत करो। क्यों ना करूं दोस्त, तुम्हारे गलत कामों पर मैं ही तो पर्दा डालता हूं। मुफ्त में एक नसीहत देता हूं, बेहतर होगा अगर तुम मैडी और कानून को मुझसे दूर रखने का बंदोबस्त करो, फिर मेरे वाटर पार्क का कमाल देखो। ठीक है। तुम्हारी रात खूबसूरत हो। तुम्हारी भी दोस्त। ओह हाँ, ये लेते जाओ। अरे अब ये क्या दे रहे हो? तुम्हारी कार की स्पीड ज्यादा थी। जीना मुश्किल कर रखा है। यही तो मेरा काम है। बहुत तरक्की करोगे तुम। क्या भयानक रात थी ना? तो तुम और कायल फिर से एक साथ रिलेशनशिप में? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। तुमने ये तय करने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगा लिया है ना? इतना आसान नहीं होता ये तय करना। जॉश इस वक्त हॉस्पिटल में सीरियस है और उसकी इस हालत की वजह हूँ मैं। उसके होश में आते ही नर्स आपको आपकी बेटी के पास ले जाएगी। तुम दोनों भी जा सकते हो। वो अभी बेहोश है तो जब तक वो होश में ना आ जाए मुझे उसके बयान के लिए यहीं रुकना होगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? और शेल्वी कैसी है? अभी तक तो वो इस हादसे से बाहर नहीं आई है, पर मैं उसका भी ध्यान रखूंगा। तुम तो ठीक हो ना? अब बस थोड़ी थक गई हूं। अपना ध्यान रखना, मैं फोन करूंगा। बाय।
मैं करता हूँ प्यार, हूँ उसका पुजारी, घुटनों पर करता हूँ तैयारी, प्रेम पुजारी हूँ मैं, मुझे करने दो प्यार, मैं आया हूँ करने प्यार। तुम्हारे गाने ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए, मेरे पास आओ और मुझे अपनी बाहों में ले लो। मैं करता हूँ प्यार, दिल मेरा तरसे, ओ मेरी डॉन, खेलूंगा तुमसे। मेरा नाम मिशेल है और मैं हूँ डॉन। अच्छा। मैं करता हूँ प्यार, दो हो या चार, क्योंकि मैं हूँ सबसे बड़ा टीवी स्टार। तो हो जाए बड़ी। बस पहुंच ही गए समझो। रुक जा। लगता नहीं मैं ये कर पाऊंगा। कर लोगे सर, बेबी स्टेप्स लेकर, छोटे बेबी स्टेप्स लेकर। ये तुम क्या मजाक कर रहे हो बेबी स्टेप्स? हाँ, तुम्हें याद नहीं कि पिराना ने मेरे पैर खा लिए थे? मुझे पानी में नहीं जाना, चाहे जो हो जाए। डॉक्टर स्मिथ की बात याद कीजिए, आपके इलाज के लिए यहाँ आना जरूरी है। आप चाहो तो शुरुआत के लिए बच्चों का पूल है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बच्चों की शरारत का खतरा और क्या। बच्चों की शरारत वो मैं संभाल लूंगा। मैं किसी तरह के पानी से नहीं डरता हूं, मैं किसी तरह के पानी से नहीं डरता हूं। डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। इस डर को मिटाना है, मुझे पानी में फेंक दो। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? कुर्सी के पीछे जाओ और हैंडल पकड़कर मुझे इस पानी में लात मार के धकेल दो। क्या वैसे ही जैसे बच्चों को तैरना सिखाने के लिए जबरदस्ती पूल में फेंका जाता है? ओ, ये तो अच्छा तरीका है। ओके, तो चलिए तीन की गिनती पर, एक दो। रुक जाओ। ओके ओके, अब क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? आप ही ने तो कहा। नहीं, मैं जितना भी इनकार करूं, जितना भी मना करूं, तुम मुझे पानी में धकेल दो। ओके, समझ गया। आप चाहे जितना भी इनकार करो, मना करो, मैं आपको पानी में धकेल दूं, लेकिन आप बुरा तो नहीं मानोगे? मुझे पानी में धकेलो। अच्छा ठीक है, एक दो। अरे नहीं, रुको रुको, मुझे पानी में नहीं जाना। मैं तो आपको धकेलूंगा। नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं पानी में नहीं जाना चाहता। मैं धकेल रहा हूं। रुक जाओ, मुझे पानी में जाओगे? डरिए मत। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये पानी में जाना चाहते हैं। नहीं, ये बकवास है, मैं पानी में नहीं जाना चाहता। तुम्हारा दिमाग खराब है, इस बेचारे लंगड़े आदमी को पानी में फेंक रहे हो। हाँ सही कहा, इस बेचारे लंगड़े आदमी को पानी में मत फेंको। मैं नहीं जानता, आपको पानी में जाना है मतलब पानी में जाना है। नहीं आती क्या? इस तरह डर कैसे दूर होगा? मैं किसी तरह के पानी से नहीं डरता। ये गलत किया आपने। लेडीज एंड जेंटलमैन, लड़के और लड़कियों, और वो सब जो यहां मौजूद हैं, स्वागत है आपका बिग वेट में। और जिसका आप सभी को इंतजार था, सबसे फेमस लाइफगार्ड, सबका हीरो। तो चलो पानी शुरू करते हैं। स्वागत है डेविड हेसलहॉफ का। लेडीज बचिए रहना, आ गए हैं डेविड हेसलहॉफ। हाय लेडीज। लेडीज बेहोशी का नाटक कीजिए और फिर मजा लीजिए डेविड हेसलहॉफ की मजबूत बाहों का। और वक्त नहीं गवाते हुए चलो हो जाते हैं मस्ती में चूर यारो।
आने का शुक्रिया। मजे लूटो भाई। आप सब तैयार हैं मजे करने को? तो चलिए। ओ यहाँ तुम बहुत ही प्यारी हो, एक फोटो हो जाए। तुम वहाँ पीछे क्या कर रहे हो? आगे आगे आओ। मेरा शक सही निकला। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मैरी? सोच रही थी कि इस मशीन की यहाँ क्या जरूरत है, लेकिन अब सब समझ में आ गया है। कुआं अपना है, उसी का पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुएं का पानी तुम वाटर पार्क में नहीं भर सकते। ये कोई आम कुआं नहीं, हमने बहुत अंदर तक खोदा है, तब जाकर हमें एक झील मिली है। वहाँ इतना पानी है जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम क्या कर रहे हो। मुझे अंदाजा है, हम दोनों के लिए मुनाफा कमा रहा हूँ। तुम नहीं समझ रहे हो, पर तुम पिरानास को पाइप के रास्ते से वाटर पार्क में दावत दे रहे हो। आज वाटर पार्क की ओपनिंग हुई है, जहाँ मेरे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, और तुम चाहती हो कि मैं इसे बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि तुम सोचती हो कि पिराना आ सकती है पाइप से? और क्या आ सकते हैं? भूत, पिशाच, शार्क्स, सांप? ये बचपना है मैडी, थोड़ी समझदार बनो। कम ऑन यार, भूतिया फिल्म कम देखो और रोमांटिक नॉवेल पढ़ा करो। ये बहस खत्म करें, मुझे बहुत काम है। बेटा ये तो सिर्फ एक खरोच है, लाइफ गार्ड के पास जाओ तुम्हें बैंडेज लगा देगा। पिराना ने काटा। पिराना ने नहीं काटा, लोगों की बातों में मत आओ, जाओ खेलो, चलो जाओ। हेलो, सुनिए अंकिल। क्या है? मुझे चोट लग गई है। तुम्हारा नाम क्या है? डेविड। डेविड, बहुत प्यारा नाम है, क्योंकि मेरा नाम भी डेविड है। ये क्या है? मेरा ऑटोग्राफ। मुझे ये नहीं, बैंडेज चाहिए। ए टू बाई टू, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? नहीं। मुझे बेवॉश में नहीं देखा? नहीं। दौड़ते हुए स्लो मोशन में? नहीं। अच्छा तो नाइट राइडर में? नहीं। टॉकिंग कार में? एनाकोंडा 3 में? मम्मी टीवी देखने नहीं देती। सुनिए सुनिए मिस्टर हासलॉफ, जरा पीछे हटो सुनामी, मैं अपने सबसे बड़े फैन से बात कर लूं। हाँ थैंक यू। क्या तुम वाकई नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ, आप एक लाइफ गार्ड है और मुझे बैंडेज चाहिए। क्या एक बैंडेज मिलेगी मुझे यहाँ मेरे सबसे बड़े फैन डेविड के लिए? आप पहचाना? आपकी शक्ल नाना जी से मिलती है। मैं तो फेमस हूँ। मछली देखी, जानती हो अजीब है पर वो पिराना थी, जैसे न्यूज में देखी थी, कसम से। सुनो सब लोग पूल से बाहर आओ, पूल से बाहर आओ। ए, ए, तुम्हें फौरन सबको पूल से बाहर निकालना होगा। हे, भागो मत। बस बहुत हुआ, हमें फौरन पूल को बंद कर देना चाहिए। पूल बंद नहीं होगा और ये मेरा आखिरी फैसला। एक औरत ने स्विमिंग पूल में पिराना देखी। क्या तुमने देखी? तुमने देखी क्या? नहीं पर अगर तुमने नहीं देखी तो अपनी बकवास बंद करो। मैं वाटर पार्क खाली करवाने जा रही हूँ, तुम्हें पसंद आएगा ना? करके तो दिखाओ। मैडी 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 मैडी
शांत हो जाओ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुस्सा होने की कोई वजह नहीं है। तो मेरे दोस्त हो या उसके? मैं दोस्त तो तुम्हारा ही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। मुझ पर यकीन नहीं है ना? मुझसे प्यार की बातें करते और भरोसा नहीं है मुझ पर? चलो बच्चों बाहर निकलो, प्लीज स्कूल से बाहर निकलो। चलो चलो बाहर निकलो, इसी वक्त बाहर निकलो। मैडी, चलो जल्दी। मैडी क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो यार? छोड़ो उसे। तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है शार्प बॉय? हाँ, तेरे लिए छोड़ दूँ? तेरी माशूका है ये? अभी तक तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, चला है मुझे सिखाने के लिए। चल हट, शांत हो जाओ। तुमने मेरा पैर खाया, अब गोली खाओ। मुझे पानी बर्दाश्त और नहीं। मुझे पिराना बर्दाश्त नहीं। बचाओ मुझे, मैं फंस गया हूँ, बचाओ मुझे। वो बच्चा फंस गया, अब लाइफगार्ड है, अब कुछ करने क्यों नहीं? मैं लाइफगार्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। मैं डूब जाऊंगा, कोई मुझे बचाओ। मछलियाँ बच्चे को जिंदा खा जाएंगी। अगर ये इडियट्स पानी से निकल आए तो मछलियाँ इनके पीछे घर तक नहीं जाएंगी। मुसीबत और इसका पुराना रिश्ता है, साला होशियार चंद की औलाद। बुढ़ापा छा रहा है। यहीं से बचा दिया। मैं हीरो था और हमेशा रहूंगा। डायलॉग हो गया तो नीचे उतारिए ना।
देखिए पिराना, पूल का पानी खाली करना होगा। सुनो बेरी, बेरी, मैं यहाँ संभालती हूँ, तुम पंप हाउस जाकर पूल को खाली करवाओ। पर मैंने पहले कभी नहीं किया। आसान है, तारे लीवर नीचे की तरफ है, उन्हें ऊपर ढकेल दो। अच्छा ठीक है, समझ गया। बहुत अच्छा, थैंक यू। रुको रुको, पता नहीं मौका फिर मिले ना मिले, मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। कहने में इतनी देर लगा दी। सॉरी। It's not my fault. What the fuck? Get off me. Hey, dude, come over here, please, man. Look at my ass. Holy shit. Now, whatever it is, just get it out. Okay, this is gonna hurt, all right? You ready? Okay. One, two. Okay, come on, come on, we gotta get to the pump. माफ कर देना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। माफ करना। सुनो सुनो, तुम फर्स्ट एड की चीजें इकट्ठा करो और बाहर ले जाओ, ठीक है? शाबाश, चलो। फर्स्ट एड की जरूरत तो मुझे। कुएं को अनदेखा कर दूं तो अपने मुनाफे में से वो मुझे 35% देगा। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं जानता था कि मुझे बचाओ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। खून, प्लीज बचाओ। खून, काल बचाओ। मैं नहीं कर सकता। बचाओ, काल, रुको, बचाओ। मैडी, क्या है वो? मैं उसे बचा नहीं सका। मैडी, मैडी।
मुझे बचाना होगा, मुझे बचाना होगा, मुझे बचाना होगा। बाहर निकलो, पूल से बाहर निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो, अपनी अपनी जान बचाओ। सुना नहीं तुमने? पूल से बाहर निकलो। मैडी, मैडी, मुझसे पंगा लेके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नरक ही तुम्हारे लिए असली जगह है। टांगे अप्लाई कहां से सर? सॉक्स के जो पैसे बचे उससे। हेलो मैडी, तुम इस पर यकीन नहीं करोगी। तुम सुन रही हो ना, वो बदल रही है, वो चल रही है। जानती हूँ मैं, साला होशियार चंद की औलाद।
'cause a fish hunter's coming to catch you today. Fish hunter's coming your way. नदियों और झीलों में सल्फर ऑक्साइड देखो दोस्तों, हमें वहां पर जाकर जालियों के नालों को खोलकर देखो दोस्तों हमें वहां पर जाकर जालियों के नालों को मार दो मुझे पुजारी सब तैयार है क्या? और क्लोज करो, क्लोज शॉट लो। आगे जाओ, आ जाओ। अभी अपने सनग्लासेस उतारने वाले हैं। लड़कियां मरती हैं जब मैं अपने ग्लास निकालता हूं इस तरह। साला बेवकूफ चंद की औलाद, तुम होशियार क्या क्या बोलना है? होशियार चंद की औलाद। ओके फाइन, रोलिंग। साला अपनी माँ की औलाद। क्या हुआ? होशियार चंद बोलना था। मैं करता हूँ प्यार। अरे बाप रे। एक्शन। इस पूल की मछली में पानी, ओ गलती हो गई, वन मोर, रेडी। यहाँ पानी में लड़कियां मछली हैं और आदमी पूंछ। पिराना नहीं क्या? ये तुमने ठीक से नहीं रखा। ठीक है, एक बार फिर से शुरू करते हैं। लाइन क्या थी? यहाँ पर आइए और हमारे गर्म पूल में ठंडे हो जाइए। रेडी, यहाँ पर आइए। वो कौन था जिसका मोबाइल बजा? उस पर फाइन लगाइए, उस पर फाइन लगाइए। देखो अभी भी बज रहा है। अपने अपने हाथ को कैमरा से थोड़ा दूर रखो, थोड़ा दूर रखो। अच्छा होगा अगर थोड़ा दूर ही रखो। ये को ज्यादा ही 3D हो गया। तुम क्या चाहते हो, अपने हाथ को बाहर रखो या अंदर? वो यहाँ पर कैसे पहुँच गए? अगर ये मछली पकड़ने वाले भालू होते तो। एक काम करो, तुम कैमरा लेके वहां जाओ, मैं बस अभी आया। मजाक करते हो, मुझे उल्टी आ जाएगी। गाड़ी से उतरो तुम। ताली मारो बच्चे। कूल। वो कौन है? मेरी मॉम। हॉट है, मेरा मतलब क्यूट है। हाँ, लेकिन वो कराटे जानती है। क्या कहा तुमने? वो कराटे जानती है। क्या जानती है? मेरी मॉम कराटे में ब्लैक बेल्ट है। तुम्हारी मॉम ब्लैक बेल्ट है? वाओ, बहुत टैलेंटेड है। नजदीक जाने की सोचना भी मत। Oh,
मैं टेक के लिए हमेशा तैयार हूँ। मसक कली, मैं हरदम हूँ गरम, और अगर तुम्हें होना है ठंडा तो इस पूल में आइए और ठंडे हो जाइए मेरी तरह। ओह, मैं हूँ सबसे कूल, उसे मूवी में ऐड कर लेना। दो हो या चार, मैं हूँ हमेशा तैयार। अरे प्यार क्या हुआ, अरे गाना तो पूरा होने देते, ये सही लिरिक्स थे यार। अपना सिर संभाल के, मैं हूँ प्रेम का पुजारी। अच्छा ठीक है, प्रेम हो चुका, पूजा कर रहा हूँ, थोड़ा प्रसाद हमें भी बांट देना। चलो चलो, गेट रेडी गेट रेडी, फिर से टेक लेंगे। काट देना पूजा वाले, सब तैयार हो जाओ। की उम्र में हीरो का रोल करना बहुत मुश्किल है। एक्शन। डेविड, डेविड उस मछली से दूर हो जाओ। मॉम वो मुझे खा थोड़ी ना जाएगा। मछली उड़ के आई, तुम्हारा सिर खा। चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वाह, कट। कितना ओवर एक्टिंग करती है। मैंने ओवर एक्टिंग नहीं की। काम से सोच रहा था इसे अपनी अगली फिल्म में ले लूं। Crane Town. Children on the run.